मिल गए। अरे भारतवासियों सुनो सुनो, इधर बाबा मिल गए। उधर पैंगोंग लेक पर चाइना ने एक और पुल बनाना शुरू कर दिया, ठीक उसी जगह पर जहां भारत अपना अधिकार क्षेत्र होने का दावा करता है। पर आपको क्या, अपनी जमीन मिले ना मिले, पर बाबा तो मिल गए, है ना? इसी से खुश रहिए आप लोग। आप तो पहले मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ लो, बस रसोई गैस जो 1000 रुपए के पार हो चुकी है उसे बाद में देख लेंगे, है ना? इसी में तो खुश रहना है आपको। हाँ, ताजमहल में तेजो महल खोज लो पहले आप। रेलवे ने 72,000 नौकरियों की पूर्ण आहुति देकर खत्म कर दी, उस पर थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। आप मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में उलझे रहो, उधर महंगाई इतिहास के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, पर उस पर टीवी डिबेट इंतजार कर सकती है। हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी तो सत्य है कि जब ताजमहल के बंद 22 दरवाजे खुलेंगे तो पहला खुलते ही अच्छे दिन आ जाएंगे, है ना? दूसरा खुलते ही सिलेंडर तो फ्री में मिलने लगेगा। तीसरा खुलते ही पेट्रोल डीजल के फुवारे फूट पड़ेंगे। चौथा खुलते ही 2 करोड़ नौकरियां अवतरित हो जाएंगी। अरे वाह, पांचवा खुलते ही सरसों के तेल के तालाब में आप नहा रहे होंगे छपाछप। छठा खुलते ही सभी को आटा मिलने लगेगा फ्री फ्री फ्री। लेकिन आपको क्या, आप तो बाबा की भक्ति में सराबोर हैं, क्योंकि बाबा जो मिल गए हैं इसी में आने वाले 2 साल चुनावों तक निकल जाएंगे। कोई जवाब नहीं मांगेगा 10 साल के कामकाज का, कोई नहीं पूछेगा सरकार ने गैस पर उत्सव राशि 3.50 रुपए क्यों बढ़ाई। आप तो बस उत्सव मनाते मनाते दिवालिया हो जाइए, बाबा के गुण गाते जाइए और महंगाई में खुद को लुटाते रहिए। लेकिन मेरा बस एक सवाल है। हाँ बिल्कुल, देखो बेहद लॉजिकल और अंधभक्तों की आस्था को ध्यान में रखकर पूछा सवाल है। ज्ञानवापी में जो कथित रूप से शंकर जी मिले हैं और जो काशी कॉरिडोर बनते वक्त 1000 शिवलिंग ढा दिए गए थे, तब कहाँ गई थी आपकी आस्था, भक्ति वेदना संवेदना? क्या वे आपकी नजर में भगवान के मंदिर नहीं थे? वाह रे अंधभक्तों, और धन्य है आपकी भक्ति। पर वो क्या है ना, ये तो भक्ति भी नहीं है, इसे सभ्य समाज में दोगलापन कहते हैं। पता है आपको महंगाई क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि आपको धर्म की इतनी अफीम चटा दी गई है कि कई साल तक होश ही नहीं आने वाला है। लेकिन जिस दिन आंखें खुलेंगी उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी भाई, और कोई झोला उठाकर जा चुका होगा और हाँ श्रीलंका आप पर हंस रहा होगा। हाँ जाते जाते ये वाला जरूर सुनते जाओ भाई। हाँ जोक ही है जो किस्मत ने आप अंधभक्तों के बच्चों पर मारा है, इसलिए जोक की तरह ही सुन लो इसको, शायद थोड़ी सी हंसी आ जाए खुद पर। आप इधर कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ खोजते रहे हो, उधर शिव जी का लड़का, मेरा मतलब है शिवराज जी का लड़का कार्तिकेय शिवराज चौहान भाई अमेरिका की पेन यूनिवर्सिटी से LLM की पढ़ाई कर चुका है और सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ चला है। और आपके बच्चे जहां तहां जुलूस निकाल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं बस। अरे सुनो, मैं एक शॉर्टकट देती जाती हूँ आपको। एक काम करो, पूरा कलयुग ही खोद डालो, सतयुग मिल जाएगा। पूरी दिल्ली खोदी तो हस्तिनापुर, समुद्र सुखा दिया तो सोने की द्वारका, सरयू नदी में डुबकी लगा दी ना तो राम मिलेंगे, फिर तो राम राज्य ही राम राज्य होगा। सत्यमेव जयते।